सो so, uh, हमें यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ही बता दिया के शुरू में ही बता दिया गया कि वी ऐड द सफिक्स आई सी एंड आई एस एच टू फॉर्म एडजि यानी हम आखिर में किसी भी वर्ड के आई सी या आई आई एस एच लगाते हैं यानी इश या एक इक से साउंड बनती है वो यूज़ करते हैं तो हम उसमें उस वर्ड को एडजेक्टिव बना सकते हैं सफ़िक्स क्या होता है सफिक्स uh, वो छोटा सा वर्ड या छोटे से दो तीन लेटर्स होते हैं जो हम वर्ड के आखिर में लगाते हैं ठीक है so, सो यहाँ पे हमें पहले बताया हुआ है कि आई सी के क्या मीनिंग होते हैं हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ यानी अगर किसी चीज़ में वैसी क्वालिटीज़ हैं तो हम वो आई सी लगा के बताते हैं जैसे आर्टिस्ट है कोई तो उसमें आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं अगर कोई चीज़ बुरी है तो उसमें वो ट्रैजिक लगेगी अगेन दीज बो बोथ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव तो हमने आई सी का सफिक्स यूज़ करके उसकी क्वालिटी uh, बता दी है नाओ द अदर सफिक्सिस आई एस एच यानी इश की जो साउंड है हैव द क्वालिटीज़ ऑफ इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन वैसी क्वालिटीज़ होने को बोलते हैं ठीक है कम्प्लीटली नहीं यानी तकरीबन जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो स्टाइलिश लग रही है ठीक है uh, अगर कोई चीज़ हमें uh, अजीब सा लग रही है कोई अजीब सा इंसान लग रहा है तो हम बोलते हैं नॉबिश सा है यानी हम इसको बोलते हैं कि वैसा सा लग रहा है कम्प्लीटली वैसा नहीं है ठीक है नाउ यू कैन सी के uh, हमने ये पे जैसे मीनिंग्स देख लिए हैं और एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं तो नीचे एक क्वेश्चन है जिस पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव इन द टेबल अबव यानी ऊपर जो हमें एडजेक्टिव दिए हुए हैं उनसे हमें ब्लैंक को फिल करना है सो लेट्स रीड द सेंटेंसेज एंड सी के कौन सा वाला एडजेक्टिव हमारे लिए सूटबल रहेगा द बोर्डर्स थाट डेट मारिया वॉज़ डैश बिकॉज शी सेल्डम जॉइन इन दियर एक्टिविटीज़ तो बोर्डर्स सोचते थे कि मारिया कैसी है क्योंकि वो अजीब अजीब उनकी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेती थी तो वो स्नॉबिश है यानी वो अजीब सी है या ऑकवर्ड है या लोगों के साथ हिस्सा नहीं लेती है तो ऐसे इंसान को स्नॉबिश बोलते हैं ठीक है अगेन हमने आई एस एच वाला एक वर्ड uh, यूज़ किया और उसके हमने एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे फिलिंदी ब्लैंक में पुट कर दिया ठीक है स्नॉबिश की स्पेलिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी द सेकेंड ब्लैंक इज द को ऑफ द स्कूल बिल्डिंग ड्यूरिंग अ रिसेंट अर्थक्वेक वॉज अ डैश इवेंट दैट टोक अवे द लाइव्स ऑफ मैनी पीपल यानि अर्थक्वेक होना कैसा होता है बहुत गमजदा सी चीज़ होती है और उसको हम क्या बोलते हैं ट्रैजिक वो वर्ड हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था आई सी के सफिक्स के साथ द नेक्स्ट ब्लैंक इज क्रिस इज़ वेरी डैश ही मेक्स ब्यूटिफुल पेंटिंग्स अब जो पेंटिंग्स बनाता है वो आर्टिस्ट होता है और जब वो आर्टिस्ट uh, है तो हम क्या बोलेंगे कि वो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रखता है ठीक है मारिया वोर अ डैश गाउन टू हर ग्रेजुएशन बॉल तो उसने कैसा गाउन पहना होगा स्टाइलिश गाउन ठीक है अब हमने यहाँ पे मीनिंग्स भी देख लिए हमने यूज़ भी देख लिया यानी एग्जांपल्स भी देख लिया और किस तरह उनको सेंटेंस में पुट किया जाता है वो भी हमने सीख लिया ठीक है अब हमें आई येस दिस इज़ वेरी क्लियर यू हैव टू सी द वीडियो लर्न अबाउट द सफेक्स लर्न द वर्ड्स आप और भी ऐसे वर्ड्स निकाल के कोशिश करिएगा कि लर्न करें और उनको अपने सेंटेंसिस में यूज़ करने की कोशिश करें उनको सीखें कि कैसे यूज़ किया जाता है आई सी ऑर आई एस एच वाले सफिक्सिस को एंड देन यू हैव टू लाइक लुक एट द वॉच द वीडियो लर्न अबाउट इट देन सॉल्व द फ्ल द ब्लैंक्स यूर सेल्वस आप ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आप फिर वीडियो से चेक करिएगा अपना आंसर आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर एंड इफ स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस बिलो द वीडियो एंड टिल देन वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो